हे गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल स्वैग वाली श्रीमती पर। आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए मेरा जोधपुर हॉल। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या की मैंने खरीदारी। तो सबसे पहले मैंने लिया ये एक ऊँट जो कि काफ़ी कलरफुल और काफ़ी क्यूट है। ये मुझे बहुत पसंद आया। एक्चुअली जब हम फोर्ट पे घूम रहे थे तो एक आंटी थी जो ऐसे बैठ के बेच रही थी, वो लोग खुद ही हाथ से बनाते हैं और ये पूरा कपड़े का बना हुआ है, तो मुझे बहुत ये पसंद आया। तो आंटी ने हमें इसका प्राइस 200 बताया था, पर हमने इसे 180 में ख़रीदा। सो दिस इज़ के लिए हम गए खादी भंडार। वो जो हमारे ड्राइवर थे वही हमें वहाँ पर लेके गए थे। खादी भंडार में काफ़ी अच्छी अच्छी थी चीज़ें मिल रही थी। तो वहाँ पे एक्चुअली ऊँट के लेदर से बनी चीज़ें, मतलब ऊँट के चमड़े से जो चीज़ें बनती हैं वो मिल रही थी वहाँ पे। तो वहाँ से हमने लिया ये एक ऊँट। चलिए मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है ढोला और ये मारू जो वहाँ के हैं, और ये ओरिजिनल लेदर का बना है ऐसा उन्होंने हमें बताया है। और ये उन्होंने हमें 550 में दिया। वहाँ पे कोई ऐसा बार्गेनिंग नहीं था, तो हमने कोई बार्गेनिंग नहीं की, वो फिक्स प्राइस था, तो ये हमने लिया। ऐसा हमने दो लिया है। खादी भंडार से निशांत ने अपने लिए लिए ये जूते। ये मोजरी है, ये इन काफ़ी इंडो वेस्टर्न स्टाइल का, इसे आप कुर्ते पे भी पहन सकते हैं, जींस पे भी पहन सकते हैं। जब उन्होंने ट्राई किया था तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। दिस कॉस्ट अस फॉर 550 और 650, तो मुझे याद नहीं है। और मैंने ली एक ये जूती। ये जूती मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इस पर ये थ्रेड वर्क है और ये काफ़ी कलरफुल था, ऑरेंज एंड पिंक में। मुझे लगा कि ये सारे ड्रेस पर चल जाएगा, इसलिए मैंने ये लिया। एंड इसका प्राइस था 650 और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये लिया। ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है पहनने पे, काफ़ी कंफर्टेबल है। सो खादी भंडार से हमने एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ ली जो कि है ये रज़ाई। ये काफ़ी लाइट वेट है, उन्होंने बताया कि ये इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये लाइट वेट होते हुए भी ये काफ़ी गर्म करेगा। आपको दिखाती हूँ मैं अच्छे से। इसका जो प्रिंट है वो मुझे काफ़ी पसंद आया और कलर भी काफ़ी पसंद आया क्योंकि ये क्रीम कलर था, लाइट कलर। और इसका जो प्रिंट है हाथी, मुझे राजस्थानी प्रिंट काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने ये लिया। ये डबल बेड की रजाई है और ये हमें मिली 1500 और 1600 समथिंग में। तो ये हमने इतनी सारी चीज़ों में हमने एक यूज़फुल चीज़ ली जो कि है ये रजाई। खादी भंडार में काफ़ी महंगी चीज़ें मिल रही थी, तो हम सोच रहे थे कि कुछ लोकल मार्केट जैसा मिले। तो हमने पता लगाया तो हमें पता चला कि एक मार्केट है नई सड़क पे जहाँ पे होलसेल की सारी शॉप्स हैं। तो वहाँ हम पहुँचे, वहाँ हमें इतना अच्छा सामान मिला, काफ़ी सस्ता सामान। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, दिस पेन स्टैंड, ये इसका प्राइस था 30 रुपीज़। ऐसे हमने तीन लिए हैं जो थोड़ा अलग 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 डिज़ाइन में है। ये देखिए, एंड इसका प्राइस भी 30 रुपीज़ है। ऐसे मैंने दो लिए, तो ये तीन। उसके बाद मैंने लिया ये एक तोरण सा है, ये भी कुछ 45 रुपीज़ का है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा कुछ चाहिए भी था ऐसे दरवाजे पर टांगने के लिए, तो ये मैंने लिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 20 रुपीज़ का है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो ये मैंने लिया। और ये लिया मैंने, थ्री एलिफेंट सेट, एंड ये 100 रुपीज़ का मिला मुझे तीनों। ये काफ़ी क्यूट है ना, आई लाइक दिस। मैंने कुछ फ्रिज स्टिकर भी लिए, ये इस पर ऐसा कुछ इंडिया लिखा हुआ है और हाथी के शेप का है। ये मैंने खादी भंडार से लिया था 150 रुपीज़ का, 150 रुपीज़ का। और ये तो मैंने ऐसे ही फोर्ट पे से ही ले लिया था, तो ये मुझे 30 रुपीज़ का मिला। इस पर खम्मा गनी लिखा हुआ है, दिस इज़ नाइस। इसके बाद जो राजस्थान का सबसे ट्रेडिशनल चीज़ है, राजस्थान जाएं और वो ये कैसे न लें, दिस मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से। ये भी हमने वही होलसेल वाले मार्केट से ली। लुक एट दिस, Thank you.
और जब इतना सारा सामान ले लिया था तो एक बैग भी ये लिया जिससे इन सारे सामान को कैरी करें, तो ये बैग एंड इसका प्राइस था 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खादी भंडार में कोई बार्गेनिंग नहीं थी, पर हमने बहुत ख़रीदारी की थी तो उनसे कहा कि आप कुछ तो कम करो, अगर नहीं कर सकते हो तो कुछ दे ही दो। उन्होंने मुझे ये एक बांधनी दुपट्टा गिफ्ट किया। तो कैट दिस। सो गाइज, ये था मेरा जोधपुर शॉपिंग हॉल। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। और मैं आप सबको एक बात कहूँगी कि जब भी जोधपुर जाएं, अगर आपको शॉपिंग करना हो तो प्लीज़ आप नहीं सरक जाएं, क्योंकि वहाँ आपको काफ़ी सस्ते दामों में अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। गाइज, चलिए फिर आपको मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।